जैसे परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से कि धर्मदास इसने मेरे से वचन लिया हुआ है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव थोड़े ले जाना और कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी उस समय मैं आऊंगा। प्रथम चरण तो होगा कलयुग का जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, उसके बाद फिर बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1920वीं सदी के उत्तरार्ध में। 20वीं सदी कौन सी है? ये 1901 से स्टार्ट होगी 20वीं सदी। और उत्तरार्ध कौन सा है? 1950 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। 1951 में दास का जन्म हुआ और उसके बाद ये बिजली पीढ़ी शुरू होगी। अब ये यहाँ से शुरू है बिजली पीढ़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत में शिक्षा नाम नहीं था। 1947 के बाद जब दास 7-8 वर्ष का हुआ तो शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। हमारे 70 की हमारी बहनें थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हमारी छोटी बहन थी जो सबसे लास्ट, उसको शिक्षा की फिर अलाउड हुआ धीरे धीरे, नहीं तो हम इतने शिक्षा के गुण से अपरिचित थे। तो फिर देखते ही देखते अब बाढ़ आ गई, शिक्षा की परमात्मा ने लानी थी। अब ये चैनल नहीं थे, पहले आप देख रहे हो सन 2000 तक कोई भी ये न्यूज़ चैनल एक्स्ट्रा नहीं थे और ना ही कोई ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये परमात्मा ने दया बख्शी और स्वयं अपनी बुद्धि देकर अपने सतर से जीव से यूँ काम करवाया ताकि मेरे बच्चे घर बैठे सत्संग सुना करेंगे। मोबाइल बनवा दिए हैं, पहले देख टेप था, बिजली चली जाते रहे, जा बैठे जाओ बैठा रहो, एक घंटे में आओ इतना और काम हो जा, वो असली समय बर्बाद हो जा जब समय था फुर्सत का। तो ऐसी दया बख्शी परमात्मा ने, जेब में डालो कान में लगाओ और सुनते रहो और काम भी करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। और ये शिक्षा ये परमाणु बम बनान खातिर ना दी थी, ये नॉलेज इसलिए दिया था, ये तो अपना अपने साथ खरीद ली इन्होंने परमाणु बम बना के। और क्या की खातिर? एक पृथ्वी के टुकड़े पर कट कट मर गई दुनिया, महाभारत हो गया, लाखों मर गई, पृथ्वी यहीं रहेगी, यही एकड़ जमीन, ये किले जमीन आपको दिखाई देते हैं। अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा लठम लठा होगा मर गए, यही नौके नो यही रह गए, रो चले गए कि तक कुत्ते को देखी हो नहीं मैं, तो काहे के लिए मरे खप्पे यहाँ पर। तो अब प्रसंग आ गया कि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये वो प्राणी जन्म लेंगे जो ईब भक्ति से पार नहीं हो पाएंगे और कमाई इनकी खूब हो जाएगी किसी कारण से, और कुछ भी कारण बने उनका दुर्भाग्य उदय होगा, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतने दयालु हैं परमात्मा, आप फिर इतनी भक्ति करा दी इनकी, 3-4 युग तक ये खा पी लेंगे, मर लेंगे, ये दुखी ना होंगे। और दुखी होंगे कलयुग में आके, इन फिर संभालूंगा, पार ना हो तो फिर अब अनमट्टी फिर है। अब देखो सतयुग में हम वैसे जिस सुख को सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, लेकिन हम उसी को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल सभी ना काल का, कुछ मुख में कुछ बहुत। अब सतयुग में जन्म होगा उन पुण्यात्माओं का जो अब भक्ति से मैच्योर कर दी जाएंगी और पार हों को ना, तो पहले ऊपर धक्के खाएंगे, कोई असंख्य युग में उसको पृथ्वी पर पटकेगा, कोई हजारों युगों में ऊपर घुमाता रहेगा इसको, कति चूस के सारे पुण्य बर्बाद करवा के फिर पृथ्वी पर पटक देगा। और पृथ्वी पर फिर इसके पिछले पुण्य होंगे तो सतयुग में जन्म देना पड़ेगा इसको। उस समय सतयुग में कैसा माहौल होगा कि जैसे कलयुग के अंत में परमात्मा ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 20 वर्ष की आयु रह जाएगी पुरुष की, मनुष्य की, और 5 वर्ष की लड़की विवाह, यानी 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे, बच्चे उत्पन्न करेगी, और 1.5-2 फुट की आयु रह जाएगी मनुष्य की हाइट लास्ट में, एंड ऑफ द कलयुग। और सभी प्राणी बिल खोद कर आ करेंगे, मैल मूल नहीं बढ़ाएंगे, भूकंप झटके तूफान इतनी जबरदस्त आ करेंगे को 2-3 फुट का भी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रह सकता, इतनी पीड़ा होगी इनको। और सब मांसाहारी हो जाएंगे, कृतघ्नी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उस समय
ये एक जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये सतयुग में जिन्होंने इतना तप साधना की थी और बड़े सत पर रुके रहे, वो स्वर्ग में हैं, उनको फिर दसवां अवतार बना के भेजेगा युकाल, उसके कर्म बिगड़वाण में उसकी बहुत लंबी तलवार होगी और उसका कद सबसे तगड़ा होगा, 7-8 फुट का होगा, और फिर सबको वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे थे, क्योंकि वो तो ये मानने को नहीं, यहाँ का इलाज लास्ट में यही है इसके पास, सबको कत्लेआम करेगा, खत्म कर देगा। उस समय थोड़ी बहुत भी आस्था जिसकी मालिक में होगी उसने छोड़ देगा, जरा सी भी कोई थोड़ा सा भी डरने वाला। फिर क्या होगा कि इतनी जबरदस्त वर्षा होगी पूरी पृथ्वी पर, जल ही जल हो जाएगा और वो प्राणी ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लग जाएंगे पहाड़ों पर। और जैसे परमात्मा लिखा है कि 3 हाथ अंश खेच लेत कलयुग धरती का, और उगे कोय ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का, लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। इब आप देख रहे हो खाद पर खाद ठोकर लाग रहे, फिर इसमें होगा क्या कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये, लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूँ हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। इब हम पृथ्वी ने न्यू पाटन लग रहे हैं, कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20-20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, गड़ी बकवाद नहीं बहेगी, या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा, देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। कलियुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है कौन नहीं, और वर्षा हुआ नहीं क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा, तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस इससे अधिक नहीं, फिर होगा क्या। तो फिर क्या होगा, ये वर्षा जब होगी पानी पानी हो जाएगा, जलो जल पूरी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा, फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में सोख होगा, जमीन के अंदर का जो जहर है जो अनुपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर आओगा बाहर, वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निर जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ झंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़, फलदार वृक्ष बेल, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी, वो फिर सड़ेंगे वहाँ, इसके खाद का काम करेंगे, और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, बड़े बड़े वृक्ष होंगे, अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े तगड़े, बेटा बेटी इतनी होने लग गई हुई, अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा, उस सतयुग में ये आत्मा जो ईव यहाँ रह जाएंगी इस भक्ति प्राइम टाइम में, तो वह फिर जन्म लेंगी। अब उनकी पिछली भक्ति से वो जहाँ लगाओगे समाधि भी लग गएगी, अब उस अपने हथियार ने कितना प्रयोग कर लो वही सफल होंगे। इस जैसे चाकू है, चाकू का उद्देश्य क्या होता है, सब्जी छोल ले, प्याज छोल ले, नींबू काटे, प्याज काटे, अपना काम ले, और उसने किसी का घसो दे, काम तो उड़े भी करेगा, फिर वो तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे उनकी सबकी आत सम अब अंदर जो है जो ध्यान मग्न होंगे, क्योंकि उनको विधि ये बताई जाएगी, मेडिटेशन करो, 1-1 लाख की उम्र हो जाएगी वृक्ष की, सुंदर आहार फलदार वृक्ष खाओ पियो मौज करो, ये जो गेहूँ चने ऐसे ये अपने आप पके अपने आप उगेंगे वहाँ पर, उन्हें तोड़ के लाने और मसल के खाने, ये होता सतयुग में। फिर कोई काम नहीं करना और इतने स्वस्थ शरीर होंगे, कोई बीमारी रोग नहीं होता, और वहाँ के जब भगवानों के बदले इसने छोड़ कर दूसरा भगवान कोई ना सुना, नहीं होगा मैं समाधि लाता हूँ, मेरी समाधि वहाँ तक जाती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक उन इन्हीं अब के बिछड़े हुए बागियों के पुण्य फिर थोड़े बहुत चलते रहेंगे, ये सुने को ना भगवान की बात, और जो उसके कुछ पूर्व संस्कार से उनको लाभ होता रहेगा, वो सोचेंगे जो साधना मैं कर रहा हूँ इसी से मुझे पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कलयुग में धर्मदास
ये कती खाली हो लेंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी इनकी, नरे पाप इकट्ठे होंगे, शास्त्र विद साधना करेंगे। शास्त्र विधि अब देख लो, जब शास्त्र विधि के अनुसार एक भी किसी मजहब पंथ में भक्ति हो, नानक साहब जी सतनाम का जाप करते थे, पूरे सिख समाज को उसका पता नहीं, तो वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा उनको। ऐसे ही पूरे हिंदू समाज में इस मंत्र से जाप होना एक को भी नहीं पता, कोई एंड बैंड नाम देते हैं। ऐसे मुसलमान समाज में, ऐसे ईसाई समाज में देख लो, तो ये सब शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने से अब इनकी पुण्य कमाई तो बनी नहीं, आध्यात्मिक कमाई बनी नहीं, अन्य सिद्धि शादी आगी वो यहीं बर्बाद कर दी, तो अब इनका कुछ भी क्रिया काम नहीं करेगी, सब दुखी हो लेंगे। और जो साधना ये करते ये तो काम की थी है कोई ना, पिछले पर हर दिन के अच्छे हैं नहीं, तो सब पर कैर टूटेंगे, बट नेचुरल है। और जब ये दुखी होंगे तो भगवान की खोज में कोई संत के पास जाएंगे, कोई किसी पंथ के पास जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे, फिर वहाँ मैं अपने बच्चों को मिलूँगा किसी भी तरीके से, और फिर उनको सतमार्ग बताऊँगा और मैं उपदेश दूँगा, वो लेते ठीक होने लग जाएंगे और वो फिर मुझे पहचान लेंगे, और नकलियों गुरुओं की किताबें बन चुकी होंगी, जब मेरा संत जाएगा वो उनकी पोल पाड़ के और सबको सार्वजनिक कर देगा, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सतनाम जाप करके सार नाम लेकर मेरे पास न्यू आवेंगे, तब कलयुग तक इसको छुपा के रखना। इसलिए परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में जानबूझकर फ्री छोड़ दिया था, खा लेने दे धक्के न और। और अब देखना पुण्यात्माओं, नो जहाज के जहाज भर के जाएंगे सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव।